तो आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका कहानी की इस श्रृंखला में। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने कहानी सुनाई थी जाह्नवी कुकरेजा मर्डर मिस्ट्री के बारे में, उसमें आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों से मुझको मिला। तो यही चीज़ें प्रेरणा देती हैं आगे कहानी के सिलसिले को जारी रखने के लिए। तो मैं आप सब लोग का तहे दिल से आभारी हूँ। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, आपने बहुत सारी बैंक रॉबरीज़ की कहानी सुनी होगी, बहुत सारी वारदातें सुनी होगी, पर जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी इन सब में से बिल्कुल अलग है। इस कहानी में एक बैंक लूटा जाता है, बैंक में डकैती की जाती है और इसमें कोई भी प्रोफेशनल थीफ जो था मौजूद नहीं था, सारे के सारे अनाड़ी थे, किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। तो उन लोगों ने इस 100 करोड़ की बैंक रॉबरी को अंजाम दिया। तो आइए सुनते हैं कैसे इन सब लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और कहाँ किस बैंक में दिया। हरियाणा के गोहाना एक ज़िले में एक बैंक जो कि बहुत बड़ी बैंक इंडिया की मानी जाती है, जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, में चोरी करते हैं और लगभग 100 करोड़ की वहाँ से डकैती करते हैं। इस रॉबरी को प्लान इस तरह से किया गया कि 1% भी उन्होंने इस चीज़ में कमी नहीं छोड़ी। हालांकि परफेक्ट क्राइम जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, बट इन लोगों ने इस चीज़ को परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हरियाणा के गोहाना ज़िले में एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें 5 लोग मिलकर चोरी करते हैं, वहाँ के स्ट्रॉन्ग रूम में घुसते हैं और बैंक रॉबरी को अंजाम देते हैं। दोस्तों, बात है 2014 की। 2014 27 अक्टूबर को बैंक खुलता है। जैसे ही बैंक खुलता है तो स्टाफ सारा ब्रांच में आता है, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे सारा स्टाफ आ जाता है ब्रांच मैनेजर की मौजूदगी में, जब स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाता है तो सारा स्टाफ जो है, जो भी कस्टोडियन थे, कैशियर, ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, जिनकी मौजूदगी में यह स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाना था, वो अपनी अपनी चाबी लगाकर स्ट्रॉन्ग रूम को खोलते हैं। तो जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग रूम को खोलते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो वहाँ पे क्या देखते हैं कि 350 लॉकर उस ब्रांच में, स्ट्रॉन्ग रूम में 350 लॉकर थे, जिनमें से एक एक करके लगभग 86 लॉकर्स को तोड़ा हुआ था और उनमें से जो जो भी सामान था वो सारा निकाल कर ले जाया गया था। तो जैसे ही ब्रांच का स्टाफ ये सब चीज़ें देखता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है और ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे जो जितना भी स्टाफ था वो एक एक करके देखता है तो काफ़ी चीज़ें जो थी नीचे बिखरी हुई थी, कागज़ वगैरह सारा कुछ वहाँ पे नीचे इधर उधर बिखरा पड़ा था और लॉकर
सभी टूटे हुए थे, लगभग 86 लॉकर्स थे। तो देखते ही ब्रांच मैनेजर और बाकी स्टाफ, जब उनको समझ लगती है कि यहाँ पे रोबरी हो चुकी है, तो जैसे अंदर जाते हैं तो लॉकर्स के नीचे उनका ध्यान फर्श पे पड़ता है, जहाँ पे एक सुरंग बनी हुई थी और उस सुरंग से वो चोर जो थे, रॉबर्स जो थे, वो स्ट्रॉन्ग रूम में एंटर हुए और इस डकैती को अंजाम दिया। लगभग 24 तारीख को, शुक्रवार को, ब्रांच मैनेजर और बाकी स्टाफ जो था, बैंक को लॉक लगा के जाते हैं और बैंक अगले डेढ़ दिन के लिए बंद था। 25 को सैटरडे था, 26 को संडे था और 27 को बैंक खुलना था। तो इस डेढ़ दिन में इन रॉबर्स ने इस रॉबरी को अंजाम दिया। तो जैसे ही ब्रांच मैनेजर ये सारी चीज़ें देखता है तो पुलिस को बुलाया जाता है। तो पुलिस आकर देखती है तो वो सुरंग जो थी उस पे पुलिस की नज़र पड़ती है। तो उनको, उन्होंने जब सुरंग का मुआयना किया तो वो सुरंग एक गली छोड़कर एक खाली पड़ा हुआ मकान था, वहाँ पे जाके निकलती थी, लगभग 100 कदम की दूरी पर, या हम कह लें 100 मीटर की दूरी पर। तो जैसे वो सुरंग का आउटलेट देखते हैं तो एक घर से जाकर निकलता है, जो कि एक बंदे के नाम पे था जो NRI था, और वो घर लगभग पिछले 5 साल से बंद था, ना किसी को रेंट पे दिया हुआ था और ना ही ओनर उसका वहाँ पे रहता था। तो धीरे धीरे जब ये खबर बाहर आती है तो लोगों का जमावड़ा वहाँ पे शुरू हो जाता है, जिन जिन लोगों के भी लॉकर्स वहाँ पे थे, तो वो बाहर धरना लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को क्लेम करने के लिए वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो 27 अक्टूबर 2014 9:30 बजे इस रॉबरी के बारे में सभी को पता चलता है, और ये पता चलता है कि सबसे पहले तो पुलिस जो थी, एंड पॉइंट था वो जो घर था जहाँ से सुरंग खोदी गई थी, उसके ओनर से संपर्क करती है, करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक वही पॉइंट था जहाँ से सुरंग शुरू हुई। तो जाहिर था उन सब चोरों ने वहीं से शुरुआत की थी इस रॉबरी की। तो पता चलता है कि वो महीपाल जो है वो अपने घर पे नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, एक एक चीज़ का जो था लिंक टू लिंक वो जोड़ना शुरू करते हैं कि किस तरह से कौन कौन लोग थे। तो पुलिस को कुछ भी नहीं पता चलता है कि वो लोग कौन थे और कहां से आए और किस तरह उन्होंने इस प्लानिंग को अंजाम दिया। तो जो सुरंग थी उसकी चौड़ाई लगभग 2.5 फीट की थी। तो यहाँ पे मैं एक बात पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि लॉकर्स में क्या होता है कि जो भी हमारी जमा पूंजी या जो भी हमने वहाँ पे रखा होता है लॉकर में, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ना बैंक के पास होता है, ना ही किसी चीज़ में उसका रिकॉर्ड लिखवाया जाता है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि कुछ लोग जो लॉकर्स लेते हैं बैंक में, तो उनको या तो अपने पास कुछ जो भी उन्होंने लॉकर में सामान रखा है उसके दस्तावेज जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो दिखाने पड़ते हैं कि हमारे पास ये सामान था और हमने ये लॉकर में रखा है, और अगर उनके पास नहीं है तो वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। और इसमें कुछ RBI की भी गाइडलाइंस हैं कि जो एक स्ट्रॉन्ग रूम है वो किस तरह से बनाया जाना चाहिए, कि जो फर्श है उसमें
नीचे सरिया वगैरह डाल के उसको बनाया जाना चाहिए। हार्ड कंक्रीट से उस फर्श को बनाना बनाया जाना चाहिए, और उसकी थिकनेस होती है, कोई बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया था, जिसके कारण रोबर्स जो थे इस रोबरी को अंजाम दे पाए। तो पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है, और आसपास में जो भी दुकानें वगैरह थी, रेहड़ी वगैरह वाले जितने भी बंदे थे, सभी से पूछताछ करती है, बट पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इसमें पुलिस ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया कि इस रॉबरी को अंजाम देने वाले अगर किसी भी शख्स के बारे में कोई भी अगर कुछ भी जानता है या कोई भी इंफॉर्मेशन देता है तो उसको 10 लाख का इनाम मिलेगा। तो ये भी पुलिस ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया और अपनी छानबीन में भी लगे रहे। तो इतने में क्या पता चलता है, पुलिस के पास एक खबर आती है कि महीपाल जो था, जो घर का ओनर था, वो एक सुनसान जगह पे अपनी गाड़ी में मृत पाया गया था। क्योंकि जो महीपाल था उसको पता चल गया था कि पुलिस मेरे घर पे आई थी और किसी ना किसी तरीके से उसको ढूंढ लेगी, तो उस महीपाल ने आत्महत्या कर ली। तो उसके बाद पुलिस को कोई अंदाज़ा नहीं था कि और कितने लोग इसमें शामिल थे। तो अपनी छानबीन पुलिस जारी रखती है। इसके बीच क्या होता है कि पुलिस ने डिसाइड किया कि जहाँ से ये रॉबरी शुरू हुई है, हम उस घटनास्थल को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करेंगे कि वहाँ से उनको कोई ना कोई लीड मिल सकती है। तो पुलिस ने उसी दिन उस घर में अपने कुछ सिपाहियों को लेकर वहाँ पे जाने का फैसला किया। तो पुलिस हर जगह, हर दीवार, फर्श और हर एक चीज़ देखती है कि पुलिस को कुछ ना कुछ मिले। तो पुलिस का एक हवलदार जो था, उसकी निगाह एक दीवार पर एक प्लाई लगी हुई थी, प्लाईवुड लगा हुआ था जिसको कीलों के साथ जोड़ा गया था, खिड़की पे जोड़ा गया था। तो जैसे ही वो उस प्लाई बोर्ड पर उसकी नज़र जाती है, तो वो क्या देखता है कि आसपास जितनी भी चीज़ें थी दीवार पे, वो सारी की सारी पुरानी थी। एक वही टुकड़ा जो था नया था। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो उसके दिमाग में क्लिक करता है कि या तो ये प्लाई बोर्ड वो इसी मार्केट से लेके आए हैं या आसपास के किसी मार्केट से लिया होगा। तो वो पुलिस का जो हवलदार था उसने अपने सीनियर्स को बताया कि सर इससे हमें कोई लीड मिल सकती है। तो उस प्लाई बोर्ड को लेकर वो आसपास की जितनी भी हार्डवेयर की दुकानें थी वहाँ पे जाते हैं और एक एक से पूछताछ करते हैं कि यहाँ से कोई बंदा इस तरह का प्लाई बोर्ड आपसे लेकर गया है। तो धीरे 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 सभी, लगभग सभी दुकानों पे पुलिस पूछताछ करती है। तो आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाती है और एक दुकान पे जब पुलिस जाती है तो वो बताता है, दुकानदार जो था वो बताता है कि हाँ ये प्लाई बोर्ड जो है हमारे यहाँ से गया है। तो पुलिस राहत की सांस लेती है और वहाँ से उनको एक लीड मिलती है। तो उस हार्डवेयर शॉप का जो ओनर था उसको वो स्केच बनाने के लिए अपने पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। तो वो जितना उसको याद था वो उतना सब कुछ बताता है वहाँ पे, और जो स्केच आर्टिस्ट था वो स्केच तैयार करता है। और उसने लगभग लगभग हूबहू वैसा ही स्केच बनवा दिया। तो पुलिस के जो भी खबरी वगैरह थे, इन्फॉर्मर थे, उन्होंने सभी जगह ये स्केच जो था वो सर्कुलेट कर दिया।
तो जैसे ही पुलिस ने इस स्केच को सर्कुलेट किया तो 2 दिन के बाद उनके पास एक फ़ोन आता है कि सर ये स्केच जो जिस बंदे को आप ढूंढ रहे हैं ये एक पास के गांव में आपको बंदा जो है रॉबर वहां पे मिलेगा। तो पुलिस ने 10 लाख का जो इनाम था वो तो रखा ही हुआ था और इसी के कारण शायद ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई, लोगों का ध्यान जो था इस चीज़ ने आकर्षित किया और पैसे के लालच में लोगों ने अपनी तरफ से भी काफ़ी कोशिश करनी शुरू की। तो पुलिस कंफर्म करती है, उस आदमी से मिलती है, उसके बाद जो गांव का नाम बताया जाता है उस गांव में पुलिस पहुंचती है और उस बंदे को पकड़ लेती है। तो जैसे उस बंदे को पकड़ती है तो पहले तो वो बंदा जो था पुलिस को ऐसे घुमाता रहता है कि मना करता रहता है, फिर जैसे ही पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो बंदा टूट जाता है। उसके बाद उसने सारी की सारी कहानी जो थी वो बयान की कि कौन कौन इस रॉबरी के पीछे शामिल था। एक तो महीपाल और एक उसका साला और बिजनेस पार्टनर सतीश। उसने बताया कि महीपाल और सतीश प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे और कुछ साल पहले इनको प्रॉपर्टी में बहुत सा नुकसान हो गया था और ये बहुत सारे कर्जे में डूब गए थे। तो इन्होंने फैसला किया कि बैंक लूटा जाए क्योंकि जितने पैसों की इनको ज़रूरत थी वो इसी तरीके से आ सकता था। तो सबसे पहले तो इन्होंने बैंकों की रेकी की, फिर महीपाल के दिमाग में आया कि उसका एक घर है जिसके पास में ही एक बैंक है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो महीपाल और सतीश ने वहाँ पे डाका डालने का फैसला किया। तो महीपाल और सतीश जाहिर है कि दोनों तो ये काम को अंजाम नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने 3 बंदे और इसमें शामिल किए जिसमें से एक जो था वो घर बनाने का काम करता था और बाकी जो 2 थे वो मजदूर थे। उन्होंने उन तीनों को साथ में मिलाया और जितना भी माल लूटा जाएगा उसका कितना कितना हिस्सा सभी को मिलेगा ये डिसाइड किया। क्योंकि ये जो रॉबरी होने वाली थी महीपाल के घर से होनी थी, तो महीपाल ने ये शर्त रखी कि जितना भी पैसा लूटा जाएगा, जितना भी माल वो बरामद करेंगे या लूटेंगे उसका 50% जो है वो महीपाल को मिलेगा, बाकी का जो लूट का माल होगा वो सभी का सभी बाकी 4 में बांटा जाएगा। तो बाकी बंदे जो थे उनको भी लगा कि बहुत सा माल बैंक से मिलेगा, तो उन्होंने पहले एस्टिमेट लगाया हुआ था तो उनको लगा कि ये डील बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने 25 अक्टूबर को अंजाम देने की सोची और सितंबर से उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। बकायदा नारियल फोड़कर उन्होंने इसका श्री गणेश किया, वहाँ पे पूजा की और पहला फावड़ा जब मारना था तब इन्होंने गणेश जी की मूर्ति वहाँ पे रखी। तो इस तरह से चोरी के काम में भी उन्होंने पूरे तरीके से भगवान को याद करके वहाँ पे काम शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सुरंग खोदनी शुरू की और उन्होंने वो जो बंदा तीसरा बंदा जो था जो घर बनाने का काम करता था बिल्डर था, उसने पूरी की पूरी सुरंग खोदने में अपना दिमाग लगाया और हर रोज़ वो 2.5 फीट से ज़्यादा खुदाई नहीं करते थे क्योंकि उसमें से जो मिट्टी निकलती थी उसको भी उन्होंने ठिकाने लगाना होता था।
तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हर रोज 2.5 फीट से ज़्यादा वो सुरंग नहीं खोदेंगे। और जैसे ही उन्होंने सुरंग खोदनी शुरू की तो उनको पता चला कि जो एक गली उस घर और बैंक के बीच में आती है, उसके नीचे टेलीफोन की वायर्स भी थी, पानी की पाइप्स थी। तो उन्होंने इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखा कि उन चीज़ों में से किसी को भी कोई डैमेज ना हो, क्योंकि अगर पानी की पाइप कोई ख़राब होती तो लोगों के घर में पानी नहीं जाता और वो कंप्लेंट करवाते तो उनकी उनका प्लान जो था वो चौपट हो सकता था। तो उन्होंने पूरा घर से लेके बैंक तक सुरंग बनाने के लिए पूरा एक कंपास लिया कि नॉर्थ कितने मीटर कितने डिग्रीज में उन्होंने बैंक को सुरंग को बनाना है और कहाँ से उन्होंने किस साइड में जाना है। पूरा का पूरा उन्होंने प्लानिंग को परफेक्टली बनाना शुरू किया। तो एंड में जब आखिरी दिन जो डी डे था, 25th of October 2014, सुरंग और स्ट्रॉन्ग रूम के बीच में जब थोड़ा सा फर्क रह गया था, तो उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे रोक दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो सुरंग जो बना रहे हैं, वो जब उसका मुहाना जो है वो सीधा स्ट्रॉन्ग रूम में निकलेगा, तो ये ना हो कि वक्त से पहले ही वो वहाँ पे सुरंग बना दें और उनका सारा प्लान चौपट हो जाए। तो उन्होंने बैंक बंद होने का इंतज़ार किया। तो लगभग उनके पास 36 घंटे पड़े थे इस चीज़ को अंजाम देने के लिए। तो जैसे ही बैंक बंद होता है, उसके बाद वो शाम को वहाँ पे अपना काम शुरू कर देते हैं फिर से। तो 3-4 फीट जो बचे थे बाकी, तो उन्होंने वहाँ पे खोदे, तो वो एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग रूम में पहुँचे और उन्होंने देखा कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं और उन्होंने वहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि बैंक के लॉकर जो हैं वहाँ पे 2 चाबियाँ लगती हैं और इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो बैंक के लॉकर को चाबी के द्वारा खोल सकें, तो उन्होंने वो सारे के सारे औज़ार अपने पास तैयार रखे थे जिनसे लॉकर्स को तोड़ा जा सकता था। तो उन्होंने उस टाइम फ्रेम में जितने भी लॉकर तोड़ सके वो तोड़े, वो जितना भी माल जो था वो ले जा सके उन्होंने उतना माल वहाँ से ले ले जाया। तो अपने साथ वो बोरियाँ वगैरह लेकर आए थे, वो सारा का सारा माल जो था बोरियों में भरा और 26 अक्टूबर 2014 सुबह होने से पहले वो वहाँ से सारा सामान लेकर फरार हो जाते हैं। उन्होंने गाड़ी का इंतज़ाम पहले किया हुआ था, गाड़ी जो थी घर के बाहर रखी हुई थी, तो वहाँ से आकर वो अपना माल जो थे वो उसमें डालकर ले गए। तो धीरे धीरे पुलिस को लीड्स मिलती जा रही थी। उस बंदे ने उन लोगों का नाम बताया, सतीश के घर पहुंचे, सतीश वहां से नहीं मिला और कहीं ना कहीं से उन्होंने सतीश को ढूंढ लिया। तो एक बंदा जो था वो और रह गया था, 2 बंदे। तो जैसे सभी जगह पे पोस्टर्स वगैरह लग गए थे, अखबारों में, न्यूज़ चैनल में वहाँ पे खबरें चल रही थी, तो ऐसे एक गांव के एक ढाबे में कुछ लोग वहाँ पे बैठे खाना खा रहे थे, कुछ शराब पी रहे थे। तो एक बंदा जो था वो अखबार देखकर कहता है कि यार ये बैंक डकैती जो है पुलिस
इसके पीछे पड़ी हुई है और पुलिस को कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और ये जो बैंक रॉबरी हुई है, बहुत ही जीनियस बंदे होंगे जिन्होंने इस रॉबरी को अंजाम दिया। तो वहाँ पे जो एक बंदा था जो उनके साथ था, वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। वो कहता है कि पुलिस चाहे जो मर्जी कर ले पर हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी, हमने परफेक्टली इस काम को अंजाम दिया है। तो ये बात जो है वहाँ पे एक पास में बैठा बंदा सुन लेता है। तो वो पुलिस को फ़ोन करता है, तुरंत पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और उसको दबोच लेती है। तो उससे भी पूछताछ करती है सख्ताई से, तो वो भी टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि सतीश ने उसको कहा था कि जो भी बैंक रॉबरी होगी वो वहाँ पे उसका हिस्सा मिल जाएगा। और उसी के ज़रिए जो पांचवा बंदा था वो भी पुलिस को मिल गया, उसको भी पकड़ा गया। तो उन लोगों से जब पूछा गया कि चोरी का सामान उन्होंने कहाँ रखा है, तो धीरे धीरे करके सभी ने अपना अपना हिस्सा बताया। तो लगभग 8.5 किलो सोने की बरामदी हुई, तो 60,000 कैश था। तो लगभग 80% जो था सामान जो था वो बरामद हो गया। बाकी सामान जो था कईयों ने बेच दिया था, कईयों ने उसके पैसे जो थे उड़ा दिए थे। तो इस तरह से उन्होंने उसकी पुलिस ने बरामदी की। तो उसके बाद ये मामला जो था वो कोर्ट में गया। कोर्ट उन सभी लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और जितने भी रॉबरी का सामान था वो लोगों को उनके प्रोपोर्शनेट हिस्से में, जो भी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे उनको देने का ऐलान किया। और कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने क्लेम किया, कुछ लोगों को के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उनको उस चीज़ को नहीं मिल पाया, वो उनका सामान नहीं मिल पाया। तो मामला भी कोर्ट में है अभी। जो जितना भी माल उनको बरामद हुआ सरकारी खजाने में पड़ा है, जिन लोगों के पास दस्तावेज पड़े थे वो सारे के सारे उनको चीज़ें मिल गई, उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो उनको वो चीज़ें दे दी गई। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे उनको उनका सामान नहीं मिल पाया। तो मामला अभी कोर्ट में है, तो सुनवाई चल रही है। तो देखते हैं किसको क्या मिलता है, कितना सामान कोई ले पाता है या नहीं ले पाता है। तो ये थी बैंक रॉबरी की एक कहानी। आई होप आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मेरी कोशिश थी आपके पास ये कहानी पहुंचाने की, तो यही माध्यम मुझे सबसे बेस्ट लगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। अब के लिए जय हिंद, गुड नाइट।